नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जिले के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हसनैन बकाई का पिस्टल लहराते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु खुद को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के सफीपुर विधानसभा का प्रतिनिधि बता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद सफीपुर कोतवाली पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कौन है ये मौलाना, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्नाव में एक मुस्लिम धर्म गुरु का सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते हुए फोटो वायरल हो गया है। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना हसनैन बकाई खुद को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का सफीपुर विधानसभा का प्रतिनिधि भी बताते हैं। सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते फोटो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। एएसपी ने इस मामले पर कहा कि इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक उन्नाव के सफीपुर कस्बे के रहने वाले मौलाना सैयद हसनैन बकाई खुद को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का प्रतिनिधि बताते हैं। बुधवार सुबह मौलाना का पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद वो चर्चा में आ गए। अग्निपथ और तनाव भरे माहौल के बीच मौलाना का पिस्टल के साथ फोटो वायरल होने से लोगों की उनकी तरफ ध्यान चला गया और चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। हसनैन बकाई के नाम कोई भी शस्त्र लाइसेंस नहीं है। पिस्टल के साथ फोटो वायरल होने के बाद एसपी उन्नाव ने खबर का संज्ञान लेते हुए सीओ सफीरपुर अंजनी कुमार राय को जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि एक युवक का तमंचा लहराने का फोटो वायरल हुआ है। सीओ सफीपुर की जांच दी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मीडिया में खबर चलने के बाद मौलाना ने यूटर्न लेते हुए फोटो में पिस्टल न होने का दावा कर एक वीडियो जारी किया है। मौलाना सैयद हसनैन बकाई ने वायरल फोटो पर सफाई देते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें वायरल फोटो में पिस्टल के स्थान पर पिस्टल लुक में चाइनीज सिगरेट लाइटर बताया है। वायरल फोटो काफी दिन पुरानी बताई गई है। उन्नाव में एक मुस्लिम धर्मगुरु का सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते हुए फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हसनैन बकाई खुद को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का सफीपुर विधानसभा का प्रतिनिधि भी बताते हैं। एएसपी ने इस मामले पर कहा है कि इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वही मौलाना ने इस पर वीडियो जारी करके कुछ अलग ही सफाई दी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।